अनेकों प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं। लाभ का संबंध हानि के साथ और हानि का संबंध लाभ के साथ, विजय पराजय अनेकों प्रकार के। तो इसी प्रकार जन्म और मृत्यु का जोड़ा भी इसी संसार में पाया जाता है। अमृत पान के पश्चात अपमान का विषैला घुट भी पीना पड़ता है और अपमान के साथ पश्चात सम्मान के दर्शन भी होते हैं। हर्ष एवं शोक के समन्वित रूप के लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा जंजीर पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ायो सबके बिछुड़े ना मिले दूर पड़े अतियारू। संपत्ति सजनों, आज हम उस दिवंगत आत्मा के निमित्त प्रार्थना करने के लिए रहते हैं और शोकी परिवार को ये सांत्वना देने के लिए अभी हम गरुड़ पुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे थे कि जन्म और मृत्यु अटल है। आप सभी बड़े ही ज्ञानी रहा है, उसका कारण उनके गुणों की पूजा होती है। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, हर जगह गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। वर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, पुत्र हो तो एक ही पर्याप्त है। जैसे एकः चंद्रः तमो हन्ति, एक ही चंद्रमा सारे अंधकार को का नाश कर देता है। न च तारा गणान्यपि, ना कि हजारों तारा गण। इसलिए आज हम उस व्यक्ति के लिए शोक भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। उनका जीवन बड़ा परिश्रमी, उन्होंने एहसास किया, मेहनत करके अपने जीवन को मर्यादित ढंग से उन्होंने जीवन किया और ये जो 23 वर्णों का स्वयं निकाला ये उनकी सेवा का परिणाम है। पहली बार कहा कि उनको भी लोई लोई भेंट कर दो, यादगारी के रूप में। समय अतिक्रमण हो रहा है तो आइए इस पुण्य आत्मा के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए 3 बार गायत्री मंत्र, जो 1,25,000 मंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उस मंत्र का सच्चे भाव के साथ आप उच्चारण करेंगे और जिससे जो है दिवंगत आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता था, उसके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी हम कामना करते हैं कि परम पिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को यह दुख सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करें। तो सबने अपनी अंतरात्मा से पवित्र भाव के साथ गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः।
कि कृपया व्याजी अपने मनोभाव का श्रद्धा के सुमन सोती साहब के लिए। मेरे से पूर्व पूज्य पंडित जी ने और लगभग सभी पहलुओं को छू लिया और जीवन के उनका जीवन, परिवार का जीवन, अपने बेटे को कुछ शिक्षा देना, ये सारी बातें जो है मेरे भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से उनके जीवन का वर्णन हमारे सामने प्रकट किया है। तो समय की मर्यादा है, ठीक 3 बजे हमने आरती कर देनी है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने चिरंजीव डॉक्टर यश चोपड़ा जी से कि कृपया 2-4 मिनट के लिए वो उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करेंगे। उसके बाद मेरे भाई साहब सरदार जोगिंदर सिंह जी मान उपस्थित हैं, 2-4 मिनट के लिए वो करेंगे, फिर आपकी होगी, उसी हिसाब से वक्ता जो है अपना ध्यान लेंगे। ठीक 3 बजे शवक को हमने विसर्जन करना है। इनके मन में पिता के प्रति श्रद्धा ही श्रद्धा रहेगी, तो जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं परमात्मा उन पर सुखों की वर्षा करता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र अच्छा हो, वही पर इस संसार के अंदर अल्टीमेटली सुखी होता है। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब कोई ये नहीं देखता कि हमारे पास धन कितना है, कोई ये नहीं देखता कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, केवल यही होता है कि मेरी औलाद कैसी है। जिसकी औलाद अच्छी हो वो सुखी ही सुखी है। तो आदरणीय सोपी साहब को भी नीरज के रूप में, जैसे ये स्वयं श्रवण पुत्र हैं, इनका पुत्र नीरज भी हीरा पुत्र है, श्रवण पुत्र है, तो ये परमात्मा ने स्वयं भी इनकी झोली में जो सुख है वो डाल रखा है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की बहुत सेवा की है। तो लोग कहते हैं यदि परमात्मा है तो परमात्मा दुख क्यों देता है, कहते हैं कि दुख दारू सुख रोग, जो सुखी लोग हैं वो तो सुखों में मस्त रहते हैं, लेकिन जहां दुख होता है वहीं पर परमात्मा का स्मरण होता है, वहीं पर परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है। जाना नाम बिन में से हो जाके भी प्राण जी प्राण एकदम दे आदमी सा अंदर ते बाहर बाहर रह गया, अंदर ना गया ते मौत। सब नेड़े अगर कोई इंसान दे चीज है सब तो नेड़े ही है वो मौत है, ये तो नेड़े कोई चीज ना समझे, ये मौत सारे ले आनी। पर कितना ही है कि जेड़े इस जिंदगी को घुमा के जाते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा कीमती है। कबीर जी का अपना एक रवैया बंदे को रोज ना कोई परेशानी माने जो दुनिया शहर मेला दस्तगीर ना है रात आने वाला कुछ नहीं है जादू का तमाशा अल्लाह पाक में पाक है शकर
कारुणिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षणे भगवती अष्टादशाध्यायी मम मत्वा मनुसंधरामि भगवत् सीते भवे प्रेषी नमोऽस्तु ते शाल विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः मद्देवतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्माद्रोणतटाजयात्रश्चरां गान्धारनीलोत्पलां शाल्यग्राहवती कृपेण वहनीः कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामादिकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तनी सौतीर्णा खलु पाण्डवैर्णदी कैवर्तकाकेशवा पारावसर्यवचास्वगुरुममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनामोदितं लोके सज्जनषट्पटैर्हरः प्रेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कर्मलं सर्वं सिनाः श्रीयसे मुखं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यज्ञपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं मुदगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैः कनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैः स्तवै वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सारङ्गाः ध्यानावस्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो जस्यां तं न विदुः सुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपात् सहसा विरासे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये समाधि विलीन हो गई। श्री सोपती परिवार के घर पर रखे गए गरुड़ पुराण की कथा जो निरंतर इनके निवास स्थान पर सभी ने श्रद्धा भाव के साथ श्रवण की, तो आइए
उसका जो अंतिम अध्याय है जिसमें लिखा गया है कि जन्म और मृत्यु क्या होती है, तो सभी श्रद्धा भाव के साथ परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम सभी यह प्रार्थना करेंगे कि परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान दे। श्रद्धा भाव के साथ मानव जीवन और मृत्यु के विषय में हम आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर यह बतलाया गया कि प्राणी अपने अपने कर्मानुसार इस शरीर का परित्याग करके एक देवी यात्रा की ओर निकल पड़ता है, और वास्तव में मानव जीवन और मानव की देह प्राप्ति सृष्टि की बहुत बड़ी देन है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर यह कहा गया कि मनुष्य की जोड़ी अति दुर्लभ है। 84 लाख जोड़ियों में तब तो ज्ञान की प्राप्ति विषयों में समझने और मस्तिष्क केंद्रीय कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां प्रदान की गई है, क्योंकि तो शरीर के अंदर एक आत्मा विराजमान है। गीता के अंदर कहा कि आत्मा भगवान की अग्नि की चिंगारी की बांधि अभिन्न है, कि मनुष्य में ऐसी कौन सी विशेषता है? तो अगले लाइन में कहा कि जो बुद्धि से परे है इसे ज्ञान नहीं, इसे शुभ अशुभ समझने का प्रयास नहीं करता, तब पशु के समान शास्त्र के अंदर बतलाया गया। उसके बाद यह कहा कि गायन की देवा के नाम भी इस पृथ्वी पर कभी जन्म ले। जब भारत भूमि धन्य है जिसकी महिमा देवगण इस प्रकार करते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष जैसी गलियां सब कर्मों से पाई जाती हैं, और स्वर्ग में भोगों की कितनी त्याग तपस्या परोपकार आदि कर्मों पर चलकर दूषित कर्म को शुभ कर्म करना अनिवार्य बतलाया, पुण्यों को संचय करना अनिवार्य बतलाया। शास्त्रकारों ने कर्म की जो प्रधानता दी उसको उसका आशय मात्र यही है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य भेव भोक्तव्यम तभी नाश होता है जब उस कर्म को हम भोग लेते हैं, उसका चाहे अच्छा फल हो अथवा बुरा हो। दुष्कर्म करने के पश्चात अच्छे फल की आशा रखना मूर्खता मात्र है। कर्मों के साथ सत्संगति एवं सदाचार भी विशेष सदाचार का भी विशेष प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर रहता है। अतः किसी भी श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्ति के लिए सदा सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए। उनके संग से इस लोक और परलोक में कहीं भी हित नहीं होता। धर्म की भावना रखने वाला तथा जो सद्गुणों का सदाचार का पालन करता है उसी का जीवन सफल होता है। यह सब संसार संगति का ही प्रभाव है। दो पापों का क्षय होता है ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर लिखा गया है। इसके विपरीत दुर्जनों की संगति से उल्टे पाप बढ़ते हैं। अतः प्राणी को चाहिए कि जीवन के महत्व को समक्ष में रखकर सदाचार सत्संगति का आश्रय लेना चाहिए ताकि जीवन को वह सफल बनाया जा सके और जीवन जो जिस लिए मिला है उस चीज को सार्थक कर सके। यद्यपि आज के युग में लालसा ने प्रायः सभी को अपने वश में कर लिया
जिससे विवेकवान पुरुष भी इससे अछूते नहीं रहे। जितना धन पाती है उतनी लालसा और बढ़ जाती है तथा वे लोग पतन की ओर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अंदर क्या बतलाया कि समुद्र में इतनी नदियां आती हैं, हजारों नदियां आती है, समुद्र कभी नहीं कहता कि मेरा पेट भर गया या मेरे अंदर जगह नहीं है, मेरी तरफ मत आओ। और इसी प्रकार लालसा के विषय में भी शास्त्रों के अंदर कहा गया कि लालसा जितनी बढ़ाई जाए उतनी और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। मरणोपरांत अशांति बनी रहती है, इसमें क्या आश्चर्य है। धार्मिक एवं विवेकवान व्यक्तियों के सम्मुख मानव जीवन की जो समस्याएं प्रायः उपस्थित होती हैं, उनमें मरणोत्तर जीवन की महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसार का कोई भी देश या जाति ऐसी नहीं जो यह विचार न करती गई हो कि मरणोपरांत हमारा क्या होगा, हम कहां जाएं। व्यक्ति ऐसे मरणोपरांत पुनर्जन्म एवं इस जन्म के लिए कर्मों का फल प्राप्त करने में अटल विश्वास रखते हैं। वैसे जाना तो निश्चित है। श्री भगवान गीता के अंदर कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जब जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा शरीर का परित्याग करके दूसरे नए शरीर में पुनर्जन्म में आ जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर जा कहा गया कि घर में आग लग जाने पर प्राणी जैसे उसे छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है, उसे दूसरा जन्म। कारण भी स्पष्ट उद्घोष किया कि जातस्य हि ध्रुवोर् मृत्यु, जातस्य हि ध्रुवोर् मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिस प्राणी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल सत्य है, क्योंकि यह मृत्यु रूप है, परिवर्तनशील है। इसी सिद्धांत को करुण पुराण ने एक कथा का रूप धारण कर लिया। जीवात्मा और भगवान ने जीवेव शर्मा शतम इस प्रकार निर्वाचन आदि वाक्यों से स्पष्ट किया, किंतु कुछ प्राणी अपने अर्थ कर्मों के प्रभाव से या पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से अकाल मृत्यु का ग्रास भी कि पूर्व जन्म से अर्जित किए हुए पुण्य और पूर्व जन्मार्जित पाप, पूर्व जन्म से अर्जित किए हुए पाप और पूर्व जन्मार्जित भक्ति अग्रे धावती धावती, कि पुण्य पाप और भक्ति अग्रे धावती धावती मतलब आगे आगे दौड़ते हैं और प्राणी की उसके दो या तीन कर्म पीछे पीछे चलता है। उसी के अनुसार हमारे शरीर में हमारे जीवन विमुख होकर नीच मार्ग में प्रवृत्त होता, खोटे कर्मों में अपनी आयु क्षीण कर देता है, मानो हाथ में आए हुए अमृत को स्वयं ही गिरा देता है। जीव को चाहते इसलिए प्राप्त होती है कि कर्म बंधनों को काट सके। इसी गरुड़ पुराण के अंदर लिखा गया कि बच्चा जब माता के गर्भ में 7 महीने का हो जाता है तो 7 से 9 महीने तक 2 महीने बच्चे को पूर्ण ज्ञान होता है, अगले पिछले जन्म का ज्ञान होता है और उद्धार करूंगा, इस प्रकार की प्रार्थना लेकर के जब वह बालक इस पृथ्वी पर आता है। और कहते हैं कि कर्म बंधनों को वह काट सके इसलिए जल्दी प्राप्त होती है, उच्च गति प्राप्त कर सके
किंतु निकृष्ट कार्यरत रहने से ईश्वरीय अनुग्रह से वंचित रह जाता है। मरणोपरांत लालन आदि में देखते हैं, उसी प्रकार उसके पुण्य पापों के अनुसार उसे शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुछ स्थानों पर प्रेतों के स्वरूप और कार्यों का वर्णन बहुत अंशों में अलंकारिक तथा मानव प्राणी के चित्त में अनुकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से किया गया है कि कलौ प्रेत मात्रोति ताक्ष शुद्ध क्रिया परा। प्रेत मंदिरी के सूत्र में कहते हैं कि कलयुग में मनुष्यों के रहन सहन के अशुद्ध हो जाने के कारण वह अधोगति की ओर अग्रसर होगा। प्रेतत्व और नरकों का जो वर्णन पुराणों में लिखा गया है उसे अक्षरशः योग का त्यों सत्य समझना चाहिए। मृतात्मा देहांत के पश्चात कैसा विचार करता है इस संबंध में कहा गया कि योनि मन्ये प्रवद्यन्ति शरीरत्वाह देहिना। दूसरे सूत्र में यह कहा गया कि अपने अपने कर्मों के अनुसार कितने ही जीवात्मा देह धारणार्थ विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं। अनेकों प्रकार की योनियां हम देखते हैं। अपने कर्मानुसार वृक्ष लता पर्वत आदि के स्वरूपों का ग्रहण करते हैं, क्योंकि चार प्रकार की योनियों का वर्णन गरुड़ पुराण और प्रेत मंजरी के अंदर लिखा गया। अन्य पुराणों के अंदर भी लिखा गया कि स्वदेज अंडज उद्विज और जरायुज चार प्रकार की योनियां होती है, जिसमें स्थावर योनि है और दूसरी जो है अन्य योनि है। भगवत गीता में दुष्कर्मों से जीव को अधोगति प्राप्त होती है और शुभ कर्मों से उच्च गति पाने का वर्णन इसमें कहा गया है। गरुड़ पुराण भी सिद्धांत रूप में यही कहा गया है कि जो पुरुष ज्ञानी होकर के सदाचारी होकर के उसकी सदैव सदगति होती है। मरणोपरांत तो स्वयं ही वह उत्तम लोक की यात्रा की ओर चला जाता है, अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से उच्च लोक की प्राप्ति करता है, जहां वे परमात्मा के श्री चरणों में सदा के लिए समा जाता है तथा सुखेश्वरी भोगता है। प्रेत कल्प में वर्णित कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। वेद व्यास भगवान ने 18 पुराणों में 2 वचनों में सारा तत्व दे दिया कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, किसी के लिए परोपकार करना, और पापाय परिपीडनम् किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचाना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। अतः जीवन का और मरण ध्रुव सत्य है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए शुभ कर्मों का संग्रह करना चाहिए, जितना शरीर से बन सके शुभ कर्मों को इकट्ठे करते रहना चाहिए। दुष्कर्मों से जितना हो सके बचे। इस आत्मा के लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख अनेकों प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं। लाभ का संबंध हानि के साथ और हानि का संबंध लाभ के साथ, विजय पराजय अनेकों प्रकार के। तो इसी प्रकार जन्म और मृत्यु का जोड़ा भी इसी संसार में पाया जाता है। अमृत पान के पश्चात
अपमान का विषैला घुट भी पीना पड़ता है और अपमान के साथ पश्चात सम्मान की दर्शन भी होती है। हर्ष एवं शोक के समन्वित रूप के लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है। विकास के साथ ह्रास का नियम भी कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, उसके साथ पतन भी होता है, जिस प्रकार जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। वस्तुतः हम सबको यह ज्ञात है, हम सभी जानते हैं कि जीवन में इन बंधों के युगल पक्षों का परम पम जीवन में मधुर पक्ष की इच्छा को करते हैं, कि तो जीवन में कटु पक्ष की इच्छा कोई नहीं करता। सभी यही चाहते हैं कि सुखम भूयात, मेरे जीवन में सदैव सुख हो, दुखम मा भूयात, मेरे जीवन में कभी दुख ना आए। इस प्रकार व्यापारी लाभ की बातें तो सुन सकता है, लेकिन हानि की बात पहले सुन। जीवेन शर्दा शतम भूय शर्दा शता, इस प्रकार की प्रार्थना में दीर्घायु की प्रार्थना की गई है। जीना हमारा अधिकार है, हम 100 वर्ष तक जीने का प्रयत्न करें और इसमें भी अधिक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ने कहा माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर के माध्यम से, इसी शरीर के द्वारा धर्म की सिद्धि होगी और धर्म से ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान से ज्ञान रूप बढ़ेगा, ज्ञान रूप बढ़ने से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है और परमात्मा का जब सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वह आपका प्राणी अंत में जन्म और मरण की बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की प्रार्थना में दीर्घायु की प्रार्थना की गई है। इससे भी यदि जीने की इच्छा रखनी चाहिए, साधना जुटाना कोई बुरी बात नहीं, परंतु साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु ने एक दिन आज प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि अन्य हानि भूतानि गच्छन्ति जमालयम् शेषा स्थावरम् इच्छन्ति किमाचर्य मता परम। कि युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि अन्य हानि भूतानि कि प्रतिदिन प्राणी मृत्यु का ग्रास बनकर जल की ओर जा रहे हैं, परंतु जो शेष रह जाते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि वे सदा जीवित रहें। जो व्यक्ति का दाह कर्म करते हैं उनके मन में यही रहता है कि वे सदा जीवित रहें। महर्षि पतंजलि जी महाराज ने योग शास्त्र में 5 क्लेशों का वर्णन किया। गरुड़ पुराण की 15वें अध्याय के अंदर भी योग शास्त्र का वर्णन आता है। अविद्या, मता, राग, द्वेष और अविनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन पतंजलि महाराज ने महर्षि जी ने किया। ये मनुष्यों को कष्ट देती है, इसलिए हम इन्हें क्लेश कहते हैं। इसलिए इन 5 क्लेशों में से एक क्लेश अविनिवेश नाम का क्लेश है। अविनिवेश हम कहते हैं मृत्यु के भय, मृत्यु के डर। जब मृत्यु का भय संसार के प्रत्येक मनुष्य के सिर पर सवार होता है, हर प्राणी मृत्यु का नाम सुनकर के थोड़ी देर के लिए लेकिन काम जाता है, पूर्व जन्म के अनुभव से प्राप्त होता है। सब प्राणियों को नित्य आशा होती है कि हम सदैव शरीर के साथ बने रहें, अर्थात कभी मरे नहीं। यह आशा पूर्व जन्म के अनुभव से प्राप्त होती है।
जब मृत्यु का भय केवल मूर्खों और विद्वानों के सिर पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को भी इसका डर सता जाता है। बड़े बड़े पंडित व्यक्ति तथा नाना प्रकार के शास्त्रों के विद्वान भी मृत्यु का नाम सुनकर के भयभीत हो जाते हैं। इस अवश्यम भावी और भयप्रद मनुष्य के सारा संसार डरता है, परंतु आगे लिखा कि परम मृत्यु अनुपरे ही पंथा जस्ते इतरो देवयाना चक्षुष्मते सुन्नोते ते ग्रवीन माना प्रजा को ही लिखो मूत वीरान। इसका अर्थ है कि हे मृत्यु देव, तुम देवयान से भिन्न मार्ग द्वारा विद्वान मनुष्य के मार्ग से दूर हट जाओ। हे नेत्र वाले एवं ये सब कुछ सुनने वाले मृत्यु देव, मैं तुमसे जोर दे करके कहता हूँ कि हमारी संतान और हमारे वीरों को मत मारो, तुम श्रेष्ठ उत्तम मार्ग पर चलो। क्योंकि मृत्यु महामृत्युं मंत्र के अंत में कहा गया कि मृत्यु और मोक्षीय मांगता कि मुझे मृत्यु से अंतता की ओर ले चलो। तो इस मंत्र का जय अर्थ नहीं कि मुझे कभी मृत्यु नहीं आए, कि मृत्यु और मोक्षीय मांगता मृत्यु इस प्रकार आए जैसे खरबूजा बेल में से पक करके स्वतः उस पेड़ से बेल से अलग हो जाता है, जब कोई अन्य फल पेड़ में पेड़ पर पकने के बाद स्वतः ही नीचे गिर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण आयु हो करके मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु तो आनी है लेकिन अकारण मृत्यु ना आए, पूर्ण मृत्यु को भोगने के बाद अपने कर्मों को करते हुए तब उसकी हमें मृत्यु आए, तो उसे कहते हैं मृत्यु और मुक्षीय मामता। इस मंत्र में परमात्मा के कुछ विशेष विशेषण गिनाए गए और प्रार्थना यही की गई कि हम सदा शरीर के साथ बने रहें और अपनी पूर्ण आयु को भोगते हुए उस परम पिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें और कम कर्म मंत्रों को काटते हुए अंतर आत्मा है,
उसका जो भाव होता है वो स्वतः ही चेहरे के ऊपर नजर आ जाता है। हमारे बड़े ही सम्माननीय श्री कमलेश कुमार जी सोबती, जिनका जीवन जो शरीर रूप से आज हम सबके मध्य में नहीं है, लेकिन उनके अंश के रूप में श्री के एल सोबती जी, उनका परिवार हमारे मध्य में है। आप सब ने देखा कि 6 जनवरी का दिन, ये जो साल 2018 आया, चाहे व्यक्ति अमीर है, गरीब है, ऊंच है, नीच है, किसी भी वर्ग विशेष का होता है, सबको ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि नव वर्ष के लोग एक दूसरे को मंगल कामनाएं देते हैं कि नया साल आपके लिए सुख और समृद्धि वाला आए। सोती परिवार को भी ये आकांक्षाएं थी, लेकिन परमात्मा का जो विधान है उस विधान को कोई भी प्राणी टाल नहीं सकता है, क्योंकि मृत्यु अटल होती है। हमारे संस्कृत ग्रंथों में बड़े अच्छे अच्छे श्लोक आते हैं, समय का बड़ा अभाव होता है। हमारे लिखा है कि सुपुत्रा कुल दीपका, सुपुत्र कुल का दीपक होता है। पुरातन काल के अंदर कईयों को स्कूल के अंदर जब पूछा जाता था कि भाई तुम कितने भाई बहन हो, तो लोग बड़ा मस्तक ऊंचा करके बतलाते थे कि हम 5 भाई हैं, 4 बहने। आज का जो युग आ गया वो सिमट गया परिवार, लेकिन फिर भी जैसे महाराजा दशरथ जी ने पुत्र की कामना की, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, इस मृत्यु लोक से भवसागर पार करने के लिए हम सभी जानते हैं कि स्वर्ग और नर्क, पुण्य और पाप, ये सभी हम सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं। सामान्य सोक्ति जी ने शरीर त्यागने से पहले मुझे हमारे स्कूल के मैनेजर श्री सुभाष जैन जी ने बताया कि 23 वर्षों से आप रुग्ण अवस्था में थे, एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और धन्य है हमारे सोपी साहब जिन्होंने अपने पिता को गर्म हवा तक नहीं लगने दी। और ये जो दिसंबर के अंतिम दिन चल रहे थे, डॉक्टर टंडन साहब ने मुझे बताया कि सोपी साहब स्वयं कुछ अस्वस्थ थे, लेकिन पिता के लिए इतने चिंतित थे। ये सब बातें हम लोगों के जीवन में एक प्रेरणादायक होती है। जिस पुत्र ने 23 वर्षों तक भाग्या छंदानुगामनी और पुत्र के लिए कहा कि जैसे पुत्रा वशी भूता, जिस प्राणी के पुत्र वश में होते हैं, हर समय आज्ञाकारी होते हैं, इसीलिए तो हम श्रवण कुमार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। महाराजा राम जी ने तो स्वयं
अवतार लेकर के अपने पिता का क्रियाकर्म करते हुए हम संसार वासियों को धर्म की शिक्षा से प्रेरित किया कि किस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पिता धर्मा, अभी हम श्रवण कर रहे थे, मृत्यु तो आनी है, दुख तो होता है, क्योंकि 84 लाख जोनियां आप लोग कल्पना करो, और ये तो मनुष्य का जीवन, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये सभी ग्रंथों के अंदर ऐसा रामायण में आया कि ये मनुष्य का शरीर जो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए हम उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं, उनकी तंदुरुस्ती की कामना करते हैं कि ताकि व्यक्ति अपना जीवन अधिक से अधिक जीवित रहे। हमारी माता निर्मल कांता जी, जिन्होंने अपने पति का दुख और सुख में पूर्ण सहयोग किया, और कहते हैं कि दादे का अपने पोते और पोतियों के साथ अधिक स्नेह होता है, और इनकी पोती बेटी निशा ने इतनी सेवा की, कहते रात के यदि 2 बज रहे हैं तो बेटी उनकी सेवा में उपस्थित हो जाती थी, और सबसे ज्यादा दुख मैंने उस बेटी के आंखों में, उसकी बेटी के चेहरे पर देखा कि जब उनको लेकर के उनकी शव यात्रा चले तो बेटी के आंसू थमने का नाम नहीं ले पा रहे। और अभी आज मैंने कभी सोपी साहब के पर आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन पिता का आशीर्वाद से उठ गया, जहां पुष्प अर्पण करते हुए उनके आंसू भी उनके चरणों में गिर पड़े। मैं दिन रात बैठे बैठे कैसे कहेंगे नहीं आप शांत हो जाएगी। आज उससे ये प्रश्न किया जाए जिसके सिर के ऊपर माता का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद ना रहे। कल हम कह रहे थे कि मेरे कहते कुर्म नहीं, कंदन परिवार प्रकोदर में बेटे की शादी करके आप सभी जानते हैं, इतना अच्छा परिवार, डॉक्टर साहब हमारे मंदिर में विराजमान है, प्रकोदर से हमारा भी बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मेरे भाई हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाओ, और यदि कुर्माचारी की बात करनी है तो मेरे सामने खड़े हो जाओ। कितनी अच्छी बात है कि भाई बन जाओ, भुजा की तरह दुख को बांटा जाता है। आज जितना समाज भगवान के बड़े बड़े वरिष्ठ लोग सोपतिक साहब के साथ गला मिला करके एहसास करवा रहे हैं कि चिंता नहीं, हम आपके साथ हैं, और जैसी उन्होंने सेवा की, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृतोपसेविनः, किसी थर्ड पर्सन की सेवा करने से भी और किसी बड़े बुजुर्ग के चरणों में स्पर्श करके वस्त्र पर हाथ लगाने से अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ताम् आयुः विद्या जशो परम। चारों चीजें आज हम उनके अंदर देख रहे हैं कि छोटी अवस्था में ही एजुकेशन करते हुए पिता के मन को जीता, माता का आशीर्वाद ग्रहण किया, और आज प्रिंसिपल की कुर्सी के ऊपर विराजमान है, और बच्चों को शिक्षा देते हुए अपने जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं। आज पूरी मैनेजिंग कमेटी आर्या हाई स्कूल की उनके साथ खड़ी है, सारा शहर उनके साथ खड़ा है, उसका कारण उनके गुणों की पूजा होती है,
गुना सर्वत्र पूज्यन्ते, हर जगह गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। वर्मे को गुणी पुत्रो न मूर्ख शतान्यपि, पुत्र हो तो एक ही पर्याप्त है। जैसे एकः चंद्रः तमो हन्ति, एक ही चंद्रमा सारे अंधकार को का नाश कर देता है। न च तारा गणान्यपि, ना कि हजारों तारा गण। इसलिए आज हम उस व्यक्ति के लिए शोक भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। उनका जीवन बड़ा परिश्रमी कर्मी को उन्होंने एहसास किया, मेहनत करके अपने जीवन को मर्यादित ढंग से उन्होंने जीवन किया, और ये जो 23 स्वर्णों का स्वर्ण निकाला, ये उनकी सेवा का परिणाम है। जिन आत्मा लोग बड़े बड़े ऋषि लोग माया के बिना नहीं रह सकते, लेकिन माया कमाते थे, लेकिन किसको क्या देना है क्या लेना है, ये बहन जी का उनकी माता जी की ड्यूटी होती थी। जीवन में पहली बार कहा कि उनको भी कोई लोई भेंट कर दो, यादगारी के रूप में। समय अतिक्रमण हो रहा है, तो आइए इस पुण्य आत्मा के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए 3 बार गायत्री मंत्र, जो 1.25 लाख मंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उस मंत्र का सच्चे भाव के साथ आप उच्चारण करेंगे, और जिससे जो है दिवंगत आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता, स्वर्ग उसके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी हम कामना करते हैं कि परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये दुख सह करने की असीम शक्ति प्रदान करें। तो सबने अपनी अंतरात्मा से पवित्र भाव के साथ गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है मेरे साथ। ओम शब्द को अपने विसर्जन करना प्रिय है।
ਸਾਹਿਬ ਅਸੋ ਤੁਮ ਮਾਤਾ ਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਗੋਹਿਤ ਅਲਹਾ ਅਤੇ ਸੁਭਨਵੀ ਮਹੇ। ऋग्वेद के इस सूक्त का आर्य समाज के वयोवृद्ध सन्यासी महात्मा आनंद स्वामी जी जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने इस प्रकार अर्थ किया है कि हे सर्वत्र निवास करने वाले प्रभो, सबके अंदर बसने वाले, सैकड़ों सुकर्मों की प्रेरणा देने वाले ईश्वर, तू हमारा पिता है, तू ही मां भी है, तुझे हम स्मरण करते हैं, तेरा ही ध्यान करते हैं, तेरा ही विचार करते हैं। तो माता में भी परमेश्वर स्वयं बसता है, पिता में भी परमेश्वर स्वयं बसता है, ऐसा ऋग्वेद में आया है। और उन्हें कहा यस्य छाया अमृतम्, जो उस परमेश्वर की शरण लेता है वो अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। ऋग्वेद में इंद्र आया श्रवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, ऐ संसार के लोगों सुनो, तुम उस अमर परमात्मा के पुत्र हो, और जो उस अमर परमेश्वर के साथ जुड़ता है, जो कि उसके स्वयं भीतर ही विद्यमान होता है, जो कि हर आत्मा का निजी स्वरूप होता है, जो उससे जुड़ता है, वह भी अमर हो जाता है। शारीरिक रूप से कोई अमर नहीं हो सकता, लेकिन उस अमर परमात्मा से जुड़कर, उसे जानकर वो अपने अमर होने को जान लेता है, ऐसा इसका भाव है। तो आज हम आदरणीय सोभी साहब के निधन पर उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। शास्त्री जी ने लगभग सभी पहलुओं को छू लिया है। 23 साल तक पिता की सोभी साहब ने बहुत निष्ठा के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ सेवा की। पिछले दिनों में मुझे इनके साथ कुछ समय बिताने का, इनके मन में पिता के प्रति श्रद्धा ही श्रद्धा देखी। तो जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं, परमात्मा उन पर सुखों की वर्षा करता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसका पुत्र अच्छा हो, वही पर इस संसार के अंदर अल्टीमेटली सुखी होता है। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब कोई ये नहीं देखता कि हमारे पास धन कितना है, कोई ये नहीं देखता कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, केवल यही होता है कि मेरी औलाद कैसी है। इसकी औलाद अच्छी हो वो सुखी ही सुखी है। तो आदरणीय सोभी साहब को भी नीरज के रूप में, जैसे ये स्वयं शरण पुत्र हैं, इनका पुत्र नीरज भी हीरा पुत्र है, शरण पुत्र है। तो ये परमात्मा ने स्वयं ही इनकी झोली में जो सुख है वो डाल रखा है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की बहुत सेवा की है। तो लोग कहते हैं यदि परमात्मा है तो परमात्मा दुख क्यों देता है। कहते हैं कि दुख दारू सुख रोग, जो सुखी लोग हैं वो तो सुखों में मस्त रहते हैं,
लेकिन जहां दुख होता है वहीं पर परमात्मा का स्मरण होता है, वहीं पर परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है। अवेदना व्यक्त करता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय सोफी साहब को उनके कर्मों के मुताबिक सदगति मिले। ओम शांति शांति। गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी, जय मां शेरावाली धार्मिक कमेटी, जय बाबा हरमी वाला मंदिर, जय चित्तपुर्णी निष्काम सेवा सोसाइटी, पंजाब कैथलिक स्कूल टेक्नीशियन टीचर यूनियन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ एसडी कन्या महाविद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ आर्या हाई स्कूल होशियारपुर रोड, आर्या मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धार्मिक समिति भगवाड़ा, श्री गीता भवन रजिस्टर्ड मॉडल टाउन, सरदार गुरभजन सिंह वालिया सीनियर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी, श्री गोविंद गोधाम गौशाला खत्री समाज सभा भगवाड़ा आर्य समाज गौशाला रोड, श्री के सदाना जी ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुखी स्टाफ मिल डीएवी कॉलेज भगवाड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेयर अरुण खोसला रामगढ़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती रजिस्टर्ड धर्म जागरण मंच विश्व हिंदू परिषद भगवाड़ा के सभी सदस्य श्री सोफी जी के निधन पर परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। तो आदरणीय जोगिंदर सिंह जी मान मेरे भाइयों और बहनों, अज असी स्वर्गवासी माननीय श्री कमलेश कुमार सोफी की याद पर बैठे हैं। जिसका जिक्र हो रहा है प्रिंसिपल सोफी के बहुत नेक दिल इंसान ने, उन्होंने पिता जी की बहुत सेवा की। जन्मन हो मैं पानी आ जाए पूर्व तक जिक्र सन पानी का, पानी तो किस तरह दुख दारू सुख रोक थिया जहां सुखता मैं ना हुई जिते सुख है परमात्मा ने, जिते सुख क्योंकि परमात्मा दुख जगत ज्यादा है, सुख दमायक पदार्थ ने माया दुनियादारी सब कुछ भुल जाता इंसान अपने आप भुल जाते। मोहन कहत न जाना नाम बिन में किसी से हो जाके भी प्राण जी प्राण, एक दम दे आदमी सा अंदर ते बाहर बाहर रह गया अंदर ना गया ते मौत। सब नेड़े अगर कोई इंसान दे चीज है सब तो नेड़े ही है वो मौत है, ये तो नेड़े कोई चीज ना समझे ये मौत सारे ले आने। पर कितना ही है कि जेड़े इस जिंदगी नु घुमा के जाते हैं क्योंकि जीवन बड़ा कीमती ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬਾਜਵਾਲ ਜੋ ਬਨ ਬਨ ਪਾਕੇ ਪਿਉਂਗਰੇ ਬੌਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਰੇਗੀ, ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ ਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸ਼ਕਰੇ ਦੂਸਰ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਮੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵਾਸ ਪਰ ਚੱਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜਗਦੀ